एक आदमी अगर कहता जी मेरा घर, मैं हाकिम, मैं लीडर, मेरे बच्चे, मेरी चलनी चल, जबरदस्त पूछ भी फिर आपसे होगी सर, उससे थोड़ी होगी, छोटे से बड़े से पूछो। जब आपकी ओनरशिप इतनी सॉवरेन थी तो उसके लिए आपने काट कितनी काटी। मेरी नजर के अंदर पहला फसाद तो इनके ऊपर ही आ गया, इन्होंने नहीं सही। अब आप कहें आजकल के दौर के बच्चे ठीक नहीं है, आजकल के दौर नई नस्ल कुछ ऐसी है। आजकल मैं देखता हूं बहुत जगहों पे ये आते हैं मामला, नई नस्ल नई नस्ल, नई नस्ल क्या होगी? आप भी नई नस्ल थे कल को पुराने वालों की, नई नस्ल क्या होगी? उसूल तो सारे मैक्रोस के एक ही होंगे ना, चाहे नई नस्ल जो है वो रोबोट क्यों ना बन जाए, अंदर तो बैठा हुआ एक दिल और दिमाग है। तो नई नस्ल क्या होती? बात हो इंसान को अपने 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 सल्तनत और अपने हुक्म के नीचे लाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है बड़ा, और वो कुर्बानी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कुर्बानी नहीं होती, वो इंटेलेक्चुअल कुर्बानियां भी होंगी, वो स्पिरिचुअल रूहानी कुर्बानियां भी होंगी, जो एक इंसान को अगले को मनवाने के लिए ये करना पड़ता है कि मैं बड़ा, मैं तुम्हारा भला चाहता, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं चाहता, मैं तुमसे हसद नहीं करता, मैं तुम्हारी तरक्की से जलता नहीं, मैं चाहता हूं मेरे बेटे मेरे बेटियां मुझसे भी आगे जाए, मुझसे कुछ सीख के जाए, अपने घर बसाएं और मुझे कॉम्प्लीमेंट करें। ये गलती उसी में होगी तो ही तो गया वो बाहर मुंह मारने। आज जो घरों के अंदर टेंशन डिप्रेशन और बड़ों की, मैं आपसे आप आज वो तो सारे मेरे हक में बोलेंगे ना कि शेख साहब जितने डिप्रेशन बच्चों में है, जितने खौफ बच्चों में है, जितने डर बच्चों में है, जितने कॉम्प्लेक्सेस बच्चों में है, जितना इंट्रोवर्ट एटीट्यूड बच्चों में है, जितनी आइसोलेशन बच्चों में है, जितना लो कॉन्फिडेंस बच्चों में है, जितना अंडर कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट बच्चा है, जितना डिप्रेस बच्चा है, जितना एमडीडीज का शिकार बच्चा है, जितना ड्रग एडिक्ट बच्चा है, जितना डिप्राइव बच्चा है, जितना अटेंशन सीकर बच्चा है, प्रोडक्ट तो आपका है ना, आपका बच्चा है, आपने तो बनाया उसको। अगर वो नफसियाती लिहाज से माशरे ने बनाया या आप माशरे ने अगर बनाया भी था तो किसका काम था खड़ा होना उसके? आपका काम था, आपका काम था सिखाना उसको, आपका काम था उसको बहादुर बनाना, आपका काम था उसको शेर बनाना, आपका काम था उसको शेरों पर राज करना। अगर बहुत ज्यादा तेज था, अच्छा अगर ये वाली साइड पे है तो भी आप बच्चा आपका फिरौन है, मुतकब्बिर है, लड़ाइयां कर रहा है, धमकियां दे रहा है रोंडों को, चोरियां कर रहा है, डकैतियां कर रहा है, झूठ बोल रहा है, लोगों के हक मार रहा है, महफिल के अंदर हर जगह बदमदाजी दिखा रहा है, बगैर कमाई बाप कमाई के ऊपर अकड़ है, किसने खराब की? ये सारी चीजें करने के बाद भी अगर रहमान वाले मानने के, रहमान के मानने वाले के घर में शैतान हुआ है तो फिर आजमाइश है उसकी, फिर उस पर कोई मलामत थोड़ी है कि भाई अगर एक इंसान ये कहता है कि भाई मैंने सारे वो हकूक पूरे किए जो इसकी परवरिश के अंदर मुझे करने का अल्लाह ने हुक्म दिया था, उसके बाद मेरे नसीब में एक नेक औलाद नहीं लिखी हुई, मैं उसको सबर कर। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का छिन्ना याकूब अलैहिस्सलाम की सारी नसीहतों के बाद भी उनके नसीब में लिखा था तो उन्होंने सबर किया, आंखें चली गई, लेकिन उसका नतीजा यह था कि बादशाह बन के आया बेटा। अल्लाह फिर अगर औलाद आप ठीक है, वो हदीस में आता ना, नेक औलाद फौत होने के बाद उसकी औलाद को, उसकी नेक बाप फौत होने के बाद उसकी औलाद को भी फायदे। पॉइंट यहां पर यह है कि पहली स्टार्ट यहां से होगी, मैंने ठीक करना है, मैंने देखना। आपने मोबाइल पकड़ाए हुए हाथ में बच्चों में, एक्सपोजर उसको यहां से अंटार्कटिका का हो चुका है। बिल्कुल ऐसे नबी सल्लम ने फरमाया मां बिन मौलूद ने लजूला दो अलल फितर, बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा किया, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनी उम्महातिकुम ला तअलमूना शैय, हमने एक इंसान को पैदा किया मां के पेट से, उसके दिल उसके पेट में उसके उसके दिल में उसके सीने में कोई इल्म नहीं था, वजअला लकुम अस्समा वल अबसारा वल अफिदा, हमने उसे आंख कान दिल दिया क्यों, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि वो इल्म को एनालाइज करके एक प्रॉपर अमल प्रोड्यूस कर। आपने उसकी इंस्टीट्यूशन जो उसकी इंस्टीट्यूशनल तरबियत थी जो आप थे पहले घर में, आपने ख्याल नहीं रखा, खुल के सब कुछ दे दिया, जब दिया तो खुल के दिया, जब लिया तो ऐसा लिया कि महरूम कर दिया, जब दिया तो महरूम कर दिया और लिया तो महरूम कर दिया, बीच में बैलेंस क्यों नहीं रखा?
रोज जैसे जैसे बच्चा ग्रो कर रहा था, हर बच्चे के साथ साथ आपको भी इवॉल्व